हेलो फ्रेंड्स, आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपके पास जो सीसीटीवी कैमरा है वो धवा ब्रांड का है या फिर वो हिकविजन का है या फिर वो सीपी प्लस का है या फिर यूनिव्यू का है या फिर हनवा का है, किसी भी एक्स वाई जेड ब्रांड का आपके पास सीसीटीवी कैमरा है और आप एनवीआर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी अदर ब्रांड का एनवीआर है, लाइक धवा का है, सीपी प्लस का है या फिर वो हिकविजन का है या फिर वो यूनिव्यू का है या फिर वो हनवा का है, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। तो जो आपका अदर ब्रांड का कैमरा है उसको हम अदर ब्रांड के एनवीआर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी उसको कैसे ऐड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी बहुत आसानी से अदर ब्रांड के कैमरे को अदर ब्रांड के एनवीआर के अंदर आसानी से आप ऐड कर सके। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने जो कैमरा लिया है ये हमने हिकविजन का कैमरा लिया है। हमारे पास ये हिकविजन का कैमरा है और हमारे पास जो एनवीआर है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एनवीआर धवा ब्रांड का एनवीआर है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हिकविजन के कैमरे को धवा ब्रांड के एनवीआर के अंदर कैसे ऐड करते हैं। ये चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि इस हिकविजन के कैमरे को धवा के एनवीआर के अंदर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी उसको कैसे ऐड करते हैं। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास जो हिकविजन का कैमरा है, तो चलिए सबसे पहले हम उसकी आईपी फाइंड कर लेते हैं। हिकविजन कैमरे की आईपी को फाइंड करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है वो एसएडीपी टूल का इस्तेमाल होता है। तो हमने अपना एसएडीपी टूल ओपन कर लिया है, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे और इसके अंदर हमने एक कैमरा कनेक्ट किया है, वो यहाँ पर एक डिवाइस फाउंड हो गया है। यहाँ पर वन डिवाइस शो हो रहा है और उसकी आईपी एड्रेस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 192.168.1.111। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पास जो एनवीआर है धवा ब्रांड का, उसकी आईपी को फाइंड आउट कर लेते हैं। और धवा ब्रांड की आईपी को फाइंड आउट करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है वो एसएडीपी टूल का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली हमने ये टूल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया है कि अलग अलग ब्रांड के, जस्ट लाइक हिकविजन, सीपी प्लस, धवा, यूनिव्यू, इन सारे अलग अलग ब्रांड की कैमरा डीवीआर या फिर एनवीआर की आईपी को फाइंड करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल होता है। तो उस वीडियो के अंदर हमने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग टूल के अंदर भी हमारा एक डिवाइस जो हमने एनवीआर कनेक्ट किया है, यहाँ पर डिवाइस हमारा एक शो हो रहा है और उसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.108। तो चलिए हम दोनों भी आईपी को वन बाय वन पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आईपी डिटेक्ट हुआ है वो प्रॉपर तरीके से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले कैमरे की आईपी को पिंग करते हैं। कैमरे का आईपी है 192.168.1.111। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो कैमरे का आईपी है वो पिंग हो रहा है। तो चलिए अब हम एनवीआर के आईपी को पिंग करके चेक कर लेते हैं। हमारा एनवीआर का आईपी है 192.168.1.108। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो एनवीआर की आईपी है वो भी पिंग हो रही है, दोनों भी आईपी पिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी जो ब्राउज़र है, लाइक गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एज, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन करना है, तो चलिए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। और आपको उसके अंदर क्या करना है, एक नया टैब लेना है और उस टैब के अंदर जो आपका एनवीआर की आईपी है वो आईपी को उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना एनवीआर का आईपी डाल देते हैं 192.168.1.108। उसके बाद आपको सिंपली इंटर करना है। हाँ, जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जो आपका एनवीआर का लॉगिन पेज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कंप्यूटर का हमारा जो एनवीआर का लॉगिन पेज है वो ओपन होकर आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड के हेल्प से हम अपने एनवीआर को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पासवर्ड इसका डाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ टीसीपी सेलेक्ट करना है, उसके बाद लैन के ऊपर क्लिक करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एनवीआर है वो लॉगिन हो जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं हमारा जो एनवीआर है वो लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको जब भी आप धवा ब्रांड के एनवीआर के अंदर कुछ भी सेटिंग करनी है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटअप का, आपको सिंपली सेटअप के ऑप्शन के अंदर जाना है। तो चलिए हम सेटअप के अंदर चलते हैं। सेटअप के बाद आपको कैमरा ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए इमेज और इमेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना होता है। तो चलिए हम इमेज और रजिस्ट्रेशन के अंदर आ चुके हैं और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी कैमरा आपको ऐड नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम
जो हमारा हिकविजन का कैमरा है उसको हम ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से हम हिकविजन के कैमरे को ऐड करते हैं। तो जब भी आप कोई कैमरा ऐड करते हैं तो कैमरा ऐड करने का दो तरीका है, दो तरीके से कैमरे को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप यहाँ पर डिवाइस सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही आप डिवाइस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी कैमरे कनेक्ट रहेंगे वो सारे कैमरे की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और सिंपली उस कैमरे को आप सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे एक ऐड का बटन दिया हुआ है, जैसे ही उस ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सारा कैमरा आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऐड के साइड में यहाँ पर एक मैनुअल ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप मैनुअल ऐड के हेल्प से भी आप अपने कैमरे को ऐड कर सकते हैं, बट आपको कैमरे की आईपी एड्रेस पता होनी चाहिए। तो अभी हमें कैमरे की आईपी एड्रेस हमें पता है, ये देखिए यहाँ से एसडीपी टूल में हम गए और हमारा कैमरे का आईपी एड्रेस 192.168.1.1111 है। तो हम अभी जो है वो मैनुअली ऐड करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, मैनुअली ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैनुअली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बेसिकली हम एक अदर ब्रांड के कैमरे को अदर ब्रांड के एनवीआर के अंदर ऐड कर पाते हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं ऑनवी प्रोटोकॉल। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैमरा सेलेक्ट करें या फिर एनवीआर सेलेक्ट करें तो आपका कैमरा और आपका एनवीआर दोनों भी ऑनवीव सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका कैमरा और एनवीआर ऑनवीव सपोर्टेड है तभी आप एक अदर ब्रांड के कैमरे को अदर ब्रांड के एनवीआर के अंदर आप ऐड कर पाएंगे। अगर आपका कैमरा या फिर एनवीआर दोनों में से कोई एक भी ऑनवीव सपोर्टेड नहीं है तो उस केस में आप कैमरे को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखिए एक मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। अगर आपने जो ब्रांड का एनवीआर लिया कैमरा लिया है अगर उस ब्रांड का यहाँ पर नाम शो होता है तो सिंपली आपको वो नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो नेम यहाँ पर शो नहीं होता है, जैसे अभी मैंने हिकविजन का कैमरा लिया है तो यहाँ पर हिकविजन का नहीं शो हो रहा है, ये देखिए सीपी प्लस का शो हो रहा है और हुंडई का हो रहा है, हाई फोकस पैनासोनिक ये सारे शो हो रहे हैं बट हिकविजन का नहीं शो रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑनवीप जो है ऑनवीप का ऑप्शन दिया हुआ है ऑनवीप आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अदर ब्रांड के कैमरे को अदर ब्रांड के एनवीआर के साथ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रोटोकॉल है वो हमेशा ऑनवीप प्रोटोकॉल को ही सपोर्ट करना है, आपको ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो आपके जो कैमरे का आईपी एड्रेस है जिस कैमरे को आप ऐड करना चाहते हैं उस कैमरे की आईपी एड्रेस को यहाँ पर डालनी है। तो हमारे कैमरे की आईपी एड्रेस है 192.168.1.11111। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, यूजर नेम यहाँ पर एडमिन और फिर पासवर्ड में जो आपके कैमरे का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है, admin@123 हमने यहाँ पर कैमरे का पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो सारी चीज़ को एज इट इज रखना है और नीचे एक ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली आपको क्या करना है ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे में आपको देखिए यहाँ पर जो डिवाइस है वो ऐड हो चुका है, हमारा जो कैमरा है कैमरे का नाम हमने दिया है टेस्टिंग कैमरा और यहाँ पर स्टेटस जो है ये भी देखिए यहाँ पर ऑनलाइन बता रहा है, जो हमने आईपी एड्रेस ऐड किया है 192.168.1.111 ये आ चुका है, ये सारा डिटेल्स हमारा कैमरा ऐड हो चुका है और हमारा कैमरा ऑनलाइन भी हो चुका है। तो अभी हमने कैमरे को ऐड कर लिया, अब हम चलेंगे लाइव व्यू के अंदर और फिर देखेंगे कि हमारा कैमरा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली कैमरा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक लेफ्ट टॉप के ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको क्या करना है प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा और लेफ्ट साइड में जितना भी कैमरे की यहाँ पर लिस्ट आपको शो होगी। तो अभी हमने सिर्फ एक कैमरा ऐड किया है ये टेस्टिंग कैमरे के नाम से, तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो कैमरा है यहाँ पर लिस्ट के अंदर शो हो रहा है। जितना कैमरा आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ये लिस्ट के अंदर उतना कैमरा यहाँ पर शो होता जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है इस कैमरे को के ऊपर डबल क्लिक करना है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर कैमरा आ जाएगा। तो चलिए हम इस कैमरे को यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर कैमरा जो है हमारा हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैमरे के सामने में कुछ एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में। कैमरे के सामने में आ चुके हैं और देखिए ये कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये देखिए हम यहाँ पर कैमरे के सामने में और हम हाथ वहां पर दिखा रहे हैं, तो कैमरे के सामने में हमारा ये कैमरा जो है ये लाइव आ चुका है। तो इस तरह से करके आप किसी भी ब्रांड के कैमरे को और किसी भी एनवीआर के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ ऐड कर पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि वो कैमरा और वो एनवीआर जो है वो ऑनवीव सपोर्टेड होना चाहिए, ऑनवीव सपोर्टेड रहेगा तभी आप किसी अदर ब्रांड के कैमरे को अदर ब्रांड के एनवीआर के साथ आप ऐड कर सकते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।